अच्छा सेकंड पार्ट शुरू करते हैं वीडियो का, हम एड रिजल्ट्स को पढ़ रहे हैं। अब यहां पर हम आएंगे डिलीवरी पे, ओनली अवेलेबल फॉर रीच एंड फ्रीक्वेंसी एड्स। तो यहां पर मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला है कि चूंकि मैंने फेसबुक के एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल नहीं किया डिलीवरी के लिए, तो मेरे पास इसका डाटा मौजूद नहीं है। मैंने चूंकि दराज से डिलीवरी करनी है, सो मैं क्या करता हूं कि यहां से लोगों से मैसेज ले लेता हूं, कॉल करके उनको मना लेता हूं, और बैक एंड पे मैं बेचने के लिए किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता हूं, daraz.pk। सो यहां पर डिलीवरी की कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। अब ये तो हमारी आ गई ना फिक्स्ड प्राइस 340 वाली पोस्ट। अब ऑनवर्ड चलते हैं, यहां पर हम मजीद देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है। ये भी हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। अच्छा, अकाउंट ओवरव्यू करें थोड़ा सा। हमने कोई कंपेन ट्रेंड नहीं किया हुआ, इस पे काम करना पड़ेगा। चलिए इसी बहाने ये पता लग गया। नोटिफिकेशंस क्या आए हैं इसको जरा देख लेते हैं। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। पेजेस के वाले से क्या नोटिफिकेशन है कि इसने ये वीडियो लाइक किया, इसने ये वीडियो लाइक किया है, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, ठीक हो गया। अब हम बिजनेस होम में चलते हैं, इसको कहते हैं फेसबुक बिजनेस सूट। इसका लेक्चर शायद आज मैम फातिमा एहसन आपको रिकॉर्ड करके देंगी, ठीक है। तो यहां पर ये एड्स हैं हमारी, कितनी एड्स अभी तक चली हैं आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा। हमने अभी तक 4 एड्स चलाई हैं। पहली एड हमारी चली लेकिन हमने कार्ड रिमूव कर दिया, तो 1 रुपया भी इस पे खर्च नहीं आया, क्लियर। फिर दूसरी एड मेरा ख्याल ये अहमद मक्की साहब ने चलाई थी, ये वाली एड अहमद मक्की साहब ने चलाई थी, 1,003 रुपए की एड थी लेकिन 1,070 रुपए खर्चा आ गया। क्यों भला? हमने फेसबुक ने हमें मैसेज भेजा कि आपकी एड एक और दिन चला दें, तो हमें लगा कि फेसबुक जैसे हमें ना वो चूड़ा पूरा नहीं होता जिसको क्या कहते हैं भला, बचपन में मिला करता था ऑफर, नहीं पंजाबी में इसको क्या कहते हैं भला, नहीं छान पूरा नहीं, चूंगा। हमें लगा कि हमने यार 1,003 रुपए लगाए हैं तो शायद ये हमें फेसबुक कह रही है चलो चूंगा ले लो एक और दिन का। हमने कहा यस, तो फेसबुक हमारे मजीद पैसे काटना शुरू हो गया। बाद में जाके पता लगा कि ये हो रहा है हमारे साथ, तो हमने उसको ऐड को बंद कर दिया, हमें ऐसा चूंगा नहीं चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम मैंने ऐड क्रिएट की, तो मैंने 2 ऐड क्रिएट की एक ही प्रोडक्ट पे मुख्तलिफ ऑडियंस को सिलेक्ट करके। तो मुझे पता लगा कि ये 724 पे रीच गई है, 60 रुपए का खर्चा हो गया, लेकिन यहां पर 54 रुपए का खर्चा हुआ था और 1,000 से ऊपर की रीच चले गई थी। तो मैंने सोचा कि इस एड को बंद कर दिया जाए, तो मैंने इस एड को पॉज कर दिया। अभी भी मैं इसको दोबारा ऑन कर सकता हूं, लेकिन मेरी चूंकि ये एड ज्यादा अच्छी चल रही थी तो इसको पॉज करके मैंने इस एड को चला दिया। ये था एक एड सेट, दोनों 2-10 को चलाई गई थी, ये दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं। ये कंप्लीट इसलिए हो गई है कि इसके सिर्फ 60 रुपए का खर्चा है, ये कंप्लीट हुई है इस पर 950 रुपए का खर्चा है। उम्मीद है आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा इस सब के बारे, ठीक है। बाकी फेसबुक बिजनेस सूट के मुतल्लक और जितना भी ये सारा इंसाइट्स हैं ये आपको कौन जरा बताएंगी, मैम फातिमा एहसन। इंशाल्लाह आज उनका एक लेक्चर होगा, ऑनलाइन लेक्चर होगा, और वो आपको गाइड करेंगे इस हवाले से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सो दिस वॉज अवर सेकेंड पार्ट।